अब हम लोग देखेंगे कि क्रियाशील मूलक क्या होता है। क्रियाशील मूलक यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसकी पहले परिभाषा देख लीजिए। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वैसा समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्रियाशील मूलक कहलाता है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, CH4+OH। देखिए CH4 क्या है आप जानते हैं, मीथेन है और ये गैसीय अवस्था में होता है, मीथेन गैस कहते हैं इसको। जब ये अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, मिथाइल अल्कोहल, या इसी के नाम है मिथेनॉल। अब इसका नामकरण हम लोग आगे सीखेंगे लेकिन आपको अभी बता दें इसका नाम है, सामान्य नाम है मिथाइल अल्कोहल और IUPAC नाम है इसका मिथेनॉल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो मिथेन है CH4, इसका अपना गुण होता है, अपना प्रॉपर्टी होता है, नेचर। लेकिन जैसे ही अल्कोहल इसमें कंबाइन होता है, अल्कोहल से ये रिएक्शन होता है, तो क्या होता है कि जो मिथेन का गुण होता है वो बदल जाता है और ये जो मिथाइल अल्कोहल है इस पूरे कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है, पूरे इस यौगिक का जो गुण है वो अल्कोहल के गुण पे डिपेंड करता है, ना कि मीथेन के गुण पर। मतलब अगर अल्कोहल थोड़ा सा नशीला होता है, ये नशीला नहीं है, ठीक है, ये गैस है, ज्वलनशील गैस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नशा टाइप का जो हम लोग समझते हैं अल्कोहल, जो लोग ड्रिंक भी करते हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है OH, यही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये इस CH4 से रिएक्शन करेगा तो मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल जिसको कह रहे हैं बनाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा कंपाउंड है इसका नेचर ये अब नशीला हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे कंपाउंड में किसका गुण प्रदर्शित हुआ, कौन ऐसा होगा जो इस कंपाउंड के गुण को प्रदर्शाएगा, तो ये अल्कोहल होगा। तो इस अल्कोहल को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक, मतलब जो फंक्शन करता हो, जो चलता हो। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग के घर में एक गार्जियन होता है जिसके नाम से, जैसे मान लीजिए कोई ओकेजन हुआ आसपास में या कब के संबंधी आपके यहाँ, तो जब कार्ड आता है तो बच्चों के नाम से तो आता थोड़ी ना, घर में 20 परिवार हो, 30 परिवार हो, मतलब 30-40 लोग रहते हो, लेकिन कार्ड उसी के नाम से आता है जो बाबा होंगे या पापा होंगे, जो उसका फंक्शन चलाता होगा, मतलब जो मुख्य रूप से होगा, जिसके नाम से पूरे परिवार को जाना जाता होगा। तो यहाँ पे इस कंपाउंड को मीथेन के नाम से नहीं या मिथाइल के नाम से, यहाँ पे इस अल्कोहल का प्रॉपर्टी शो करेगा, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर एक स्वस्थ आदमी जो है ड्रिंक वगैरह लेता हो, ठीक है, तो कई लोगों को देखिएगा आसपास जो मतलब दारू शराब पीते हैं, तो उनका आप देखिएगा तो क्या होता है कि जब स्वस्थ रहेंगे तो एकदम जेंटलमैन लगेंगे, लेकिन जैसे ही 2 पैक मार लेंगे, ठीक है, वो भी थाइल अल्कोहल होता है जो लोग मारते हैं, आगे मिलेगा वो, लेकिन 2 पैक मार लेंगे तो उनका कौन सा अपना नेचर था वो भूल जाते हैं, उन पर जो अल्कोहल का नेचर होता है वो स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई मार ले भाई, तो हम देखते समझ जाते हैं कि अब जो फलना जी हैं उस पे ई वाला हावी है, तो ई फंक्शनल ग्रुप हो गया। उस वक्त फलना जी नहीं रहे, वो अल्कोहल हो गए हैं, ठीक है। तो कोई भी क्रियाशील मूलक हो, यहाँ पे तो एक क्रियाशील मूलक की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, अल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, एमीन, ये सब जो यहाँ पे क्रियाशील मूलक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जब ये किसी भी कंपाउंड में जुड़ेंगे, मतलब रिएक्शन करके उसमें अपना स्थान बनाएंगे, तो उस कंपाउंड के गुण को बदल देंगे और अपना गुण स्थापित कर देंगे, ठीक है, और अपने गुण के जैसा उस पूरे कंपाउंड के गुण को बनाने का प्रयास करेंगे। तो इन सब को हम लोग क्रियाशील मूलक कहते हैं। तो बेसिकली क्रियाशील मूलक का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। फिर से पढ़ लेते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, मतलब कोई कंपाउंड है तो उसमें एक ऐसा छोटा समूह या वो अकेले एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, मतलब 2-3 एटम का समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो पूरे कंपाउंड में एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होगा या एटम होगा जिस पर पूरे कंपाउंड का गुण निर्भर करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, क्रियाशील मूलक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्रियाशील मूलक दिया हुआ है, अल्कोहल, इथर, कीटोन, एल्डिहाइड, एमीन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, हैलोजन, ठीक है। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ईथर जो है उसका संरचना सूत्र बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा बॉन्ड इधर है वो बॉन्ड, अल्कोहल का तो बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का तो बॉन्ड CHO। अब ये जो बॉन्ड CHO है, तो देखिए कभी कभी आपको लगेगा कि जो है सो कि जिस तरह से दिखेगा वैसा ही, देखिए केमिस्ट्री है ये सब चीज, बॉन्ड के हिसाब से आपको दिखाना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन किस तरीके से जुड़ा है वो ध्यान से देखिए। कार्बन से यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऊपर जुड़ा है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड इसका खाली है। तो हर फंक्शनल ग्रुप का एक या दो बॉन्ड खाली रहेगा, क्यों भाई, क्योंकि वो किसी न किसी में तो जाके कंबाइन करेगा ना। तो एक बॉन्ड खाली होने का मतलब क्या, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। यहाँ पे एक बॉन्ड खाली होने का मतलब क्या, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है जो अभी अनपेयर्ड है, वो किसी से पेयर होकर साझा करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब जो है आपको क्रियाशील मूलक यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जब आप 11th में पढ़ेंगे तो इसके अलावा और भी क्रियाशील मूलक हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 10th बेसिस में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो आपके सिलेबस में है उतना सारा ये क्रियाशील मूलक, ये उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको एक जगह हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला आर, कैपिटल आर क्या है, ठीक है। तो कैपिटल आर यहाँ पे लिखा गया है, नोट आर जो वो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड CNH2N+1। आप जानते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पहले से, तो जो अल्काइल ग्रुप होता है उसी को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इधर कोई अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये एस्टर का, एक्सटल का, एस्टर का ये फंक्शनल ग्रुप का सूत्र हो गया बॉन्ड COOR, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे कि एस्टर का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक का क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बॉन्ड COOH, आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक जो है ये एसिडिक नेचर का होता है, मतलब अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अगर यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है तो आप देख सकते हैं कि जब आगे चल के देखिएगा, जब ये रिएक्शन करेगा किसी कार्बनिक यौगिक से, तो उस कार्बनिक यौगिक के गुण को अम्लीय बना देगा। पहले से वो एसिड नहीं रहेगा, पहले से उसका गुण अम्लीय नहीं रहेगा, लेकिन जब रिएक्शन करेगा तो अपना नेचर एस्टेब्लिश कर देगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, क्रियाशील मूलक, क्योंकि इसी पर कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करेगा, इसी के अनुसार डिसाइड होगा, ठीक है। तो बेसिकली सब फंक्शनल ग्रुप है, आप इसका याद रखिए कि किसका क्या होता है, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अब एक एक करके जैसे अल्कोहल है, ईथर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एमीन है, यहाँ पे आपका ये कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, ये हैलोजन, हैलोजन कहने का मतलब है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या इसमें एक फ्लोरीन भी छूट गया है। एक आवर्त सारणी पढ़िएगा तो उसमें एक आता है लास्ट में, ग्रुप नंबर 17 में जो है सो कि लास्ट, मतलब लास्ट से ठीक पहले देखिएगा 17 नंबर, तो उसमें जो क्या होता है कि ये आते हैं, तो उसको उस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, इसीलिए इनको हैलोजन कहा गया है, ठीक है। सबको हैलोजन अलग अलग है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या इसमें फ्लोरीन भी होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल को क्या करेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक से रिएक्शन कराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर एक रिएक्शन कराया गया था, तो हम मीथेन से कराएंगे, फिर इथेन से कराएंगे, प्रोपेन से, ब्यूटेन से, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक से अल्कोहल का रिएक्शन करा देंगे, और जो बनेगा ना उसका नामकरण करेंगे, मतलब उसका नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसको समझेंगे, अल्कोहल का नामकरण और अल्कोहल का रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला देखिए, हाँ, हर फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया जाएगा, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, हर हर के लिए आपका एक अलग अलग जनरल फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। मे भी किसी का सेम भी हो सकता है, आगे चल के देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+1OH होता है, ठीक है। देखिए CnH2n+1OH होता है, अगर ध्यान से देखिएगा CnH2n+1 को, तो आपको अल्काइल ग्रुप दिखेगा, यानी जिसको हम लोग आर से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे OH है, तो इसका एक बॉन्ड खाली था, और इसका भी एक बॉन्ड खाली रहता है इस ग्रुप में। जब भी इनका वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखते जाइएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है इस फॉर्मूला के हिसाब से, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो आपस में रिएक्शन करके साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, आराम से स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 रखे, तो रखिएगा 1, तो क्या बनेगा, CH3OH, क्या बन जाएगा, CH3OH। अब इसी को आप अच्छे से दिखाइए कि कौन बॉन्ड कहाँ से, देखिए ऊपर जरा देख लीजिए, यहाँ पे जो OH है ये कैसे है, OH में कौन सा बॉन्ड किस तरीके से है, तो ये हमेशा स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही देखिए यहाँ पे है ना, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड खाली था इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो अनपेयर्ड होगा, इसका जो ऑक्सीजन का खाली था, ये दोनों आपस में शेयर करके यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है। तो CH3OH, तो अब इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। कैसे नामकरण करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे
जब हमारा एन का वैल्यू दो हो जाएगा, एन का वैल्यू एक था तो सी एच थ्री ओ एच आया, यदि एन का वैल्यू अगर दो हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच, जो फॉर्मूला था सी एन एच टू एन प्लस सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच उसमें दो रखिएगा तो ऐसा हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच। अब इसी को एक्सप्लेन करिए, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ऐसा दिखेगा, चाहे आप यहाँ पे हाइड्रोजन को ऊपर नीचे दिखा सकते हैं सिंगल बॉन्ड से, यहाँ भी तीनों हाइड्रोजन को इधर ऊपर नीचे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका वैल्यू फिर तीन रखिए तो आ जाएगा सी थ्री एच सेवन ओ एच आ जाएगा, फोर रखिएगा तो सी फोर एच नाइन ओ एच आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चार पाँच छः सात आठ नौ दस करके आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि अगर जैसे कंपाउंड ये होगा और इसमें एल्कोहल है तो इसका अगर नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, तो एल्कोहल का नामकरण हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक हमारा सामान्य नाम होगा और एक हमारा आईयूपीएसी नाम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है तो घर में दोस्त है तो उसका नाम घर पे आप जानते होंगे, आसपास आस पड़ोस का कोई दोस्त है तो उसका घर का नाम कुछ और होता है, लेकिन जब वो किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में या किसी एजुकेशनल लेवल पे अपना नाम लिखाएगा या प्रचार करेगा तो वो अलग नाम होता है जो मतलब सबके लिए होता है, तो वो आईयूपीएसी नाम जिस नाम से पूरा उसको दुनिया जानती है, लेकिन ये घर का नाम होता है मतलब जो कॉमन मतलब घर के लोग ही जानेंगे, तो वही चीज़ है। मतलब अल्कोहल का जो है नामकरण एक इस नियम से होगा एक इस नियम से होगा, लेकिन ये वाला जो है वो सामान्य स्तर पर चलेगा, सामान्य स्तर तक लागू होगा जो हम और आप डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो होगा वो आईयूपीएसी होगा मतलब इंटरनेशनल यूनियन मतलब के आधार पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब कहीं भी जाएंगे तो आईयूपीएसी नेम चेंज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सामान्य नाम जैसे हम अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो हम लोग सॉल्ट को क्या बुलाते हैं, नमक, नमक बोलते हैं, लेकिन उसी को रामरस भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप नमक को रामरस कहा जाता है, मैं चाहूँगा कि अपने बाबा से या पापा से जरूर पूछें क्योंकि उसको रामरस कहा जाता था, थोड़ा सा डिस्कस कीजिए इस विषय पे कि सर ऐसा बोल रहे थे, क्या सच है क्या झूठ है। तो यहाँ पे उसी तरीके से क्या है कि अब रामरस बहुत लोग नहीं जानते, अब जाके आप जैसे कि दूसरे कंट्री में जाए कहिए या इंडिया के बहुत सारे स्टेट हैं जाकर कि सर रामरस दीजिए, तो बहुत से लोग नहीं पूछ समझ पाएंगे, तो आपको कहना पड़ेगा कि भाई नमक दीजिए, कहीं तो नमक भी नहीं समझ पाएंगे चूंकि हिंदी है, साउथ में चले जाइए तो वहाँ हिंदी में प्रॉब्लम है, तो आप सॉल्ट कहिएगा तो चूंकि इंग्लिश है तो पूरा जैसे कि वर्ल्ड जानता है कि सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो भाई हर जगह मिल जाएगा। तो एक तरह से देखा है तो सॉल्ट आईयूपीएसी ये हुआ, ठीक है। और एक तरह से वो एनएससीएल को क्या होता है तो लवण ही है, सॉल्ट को कहीं भी लवण होता है, अब हम लोगों ने नमक बना लिया है चूंकि नमक एक लवण है इसलिए ऐसा है और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सामान्य नाम है एक आईयूपीएसी नाम है, तो इस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन मतलब ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम को लेकर के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर आप दोनों सीखिए, दोनों बेटर आपके लिए। तो सवाल ये कि हम नामकरण कैसे करें यहाँ पे, तो एक कहता है सामान्य नाम पहले सीख लेते हैं, तो ये कहता है कि अल्काइल अल्कोहल इस रूप में नामकरण करिए, सामान्य नाम अल्काइल अल्कोहल मतलब ए एल के ये बदलेगा, कैसे बदलेगा आपको मालूम है, अल कैसे बदलता है, कार्बन संख्या के कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है, अगर एक हुआ तो मीथ होगा तो मिथाइल हो जाएगा, दो हुआ तो इथाइल हो जाएगा, तीन हुआ तो प्रोपाइल हो जाएगा, चार होगा तो ब्यूटाइल, पांच तो पेंटाइल, ऐसे ही चेंज करता जाएगा, एल्कोहल नहीं चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका सामान्य नाम लिख रहा है तो कार्बन कैसा दिख रहा है, दो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल, सिंपल बोल देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। इसके पहले जब एन बराबर वन था सी एच थ्री ओ एच था तो क्या बोलते उसको, मिथाइल एल्कोहल, एक कार्बन था, तो एन की जगह सी एन एच वन प्लस वन ओ एच वाला फॉर्मूला में एन की जगह तीन रखिए और तीन रख करिएगा तो सी थ्री एच सेवन ओ एच आ जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम आप 10 तक जरूर करें, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस रहेगा। तो यहाँ पे आप ये सामान्य नाम का सामान्य नामकरण के लिए नियम है, आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, अब इसी कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नामकरण करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, तो कहता है कि अल्केन में से ई हटाकर ई को रिमूव कर दीजिए और ओएल को ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, अल्केनॉल, ठीक है। अल्क कैसे बदलता है बात समझिए, आप जानते हैं कैसे बदलता है, जैसे मान लीजिए कार्बन दो है तो अल्केन अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिखिएगा इथेन, कार्बन के अनुसार अगर लिखना होगा तो ई टी एच ए एन ई, इथेन लिखना होगा, लेकिन ई आएगा तो उसमें से ई को हटाइए, उसमें ओएल जोड़ी थे, क्या होगा, इथेनॉल, क्या होगा, इथेनॉल। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो था सी एच थ्री ओ एच, जब एन के जगह वन रखा जाएगा तो सी एच थ्री ओ एच आएगा, तो सामान्य नाम देखिए कार्बन एक है तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, लेकिन इसी का आईयूपीएसी नाम लिखना अगर है तो मीथेन लिखा गया, लेकिन देखिए एम ई टी एच ए एन ई होना चाहिए था तो ई नहीं है, ई को रिमूव कर दिया गया, ओएल जोड़ दिया गया, तो क्या होगा, मिथेनॉल। तो सोचिए इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल, फिर क्या होगा, प्रोपेनॉल, फिर क्या होगा, ब्यूटेनॉल, फिर क्या होगा, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, इस तरीके से आपका जो है चलते चला जाएगा। तो 10 तक आप इसको इनका वैल्यू रख के कंप्लीट कीजिए अपने कॉपी में और जो है सो कि उसको
आप उसका सामान्य नाम भी दस्तक लिखिए और आईयूपीएसी नाम भी दस्तक लिखिए, ठीक है? ओके।